नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब कौटिल्य बलरामपुर में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही 6 से 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज दिनांक 27 मार्च 2023 के दैनिक समाचार। हमारे प्रमुख समाचार हैं, NDA का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानिए कौन बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJ, अप्रेंटिस में निकली बम्पर भर्ती, UPSC में आई भर्ती, जानिए क्या होगी योग्यताएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। आइए जानते हैं, प्रयागराज में रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने गत 24 मार्च को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। उच्च शिक्षा हासिल करने का सुनहरा अवसर, अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मध्यम वर्गीय परिवार के होनहार छात्रों के लिए। NDA टीयर 1 की परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC NDA टीयर 1 की का एडमिट कार्ड जारी किया कर दिया है। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना विंग में प्रवेश और 2 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 113वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अप्रेंटिस में 40 पदों पर नौकरी का सुनहरा अवसर, भारत संचार निगम लिमिटेड ने हरियाणा सर्किल में ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें संबंधित विषय में ग्रेजुएट या डिप्लोमा अनिवार्य है। IIFCL में 26 पदों पर आवेदन करें, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर के 26 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। MBA, PhD, LLB, BA, LLB, CA, BE, BTech और 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। UPSC ने 67 पदों पर भर्तियां निकाली, संघ लोक सेवा आयोग ने 67 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के 34, असिस्टेंट ओरे ड्रेसिंग ऑफिसर के 22, यूथ ऑफिसर के 7 और असिस्टेंट मिनरल इकोनॉमिक्स के 4 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधन के 587 पदों पर मौके, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना ने सहायक तकनीकी प्रबंधन के 587 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधन की योग्यताएं हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या कृषि उद्यान या कृषि इंजीनियरिंग, वानिकी, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 163 पदों पर नियुक्तियां, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वैज्ञानिक अपर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे 163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी को 500 से लेकर 1000 रुपये तक आवेदन शुल्क दिया होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएँ। अप्रेंटिस की 5000 बम्पर भर्तियां, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 5000 पदों पर बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर नियुक्तियां राज्यवार और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएंगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 615 पद भरे जाएंगे। UPSC में साक्षात्कार के माध्यम से 611 पदों पर होंगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को महीनों बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन के लिए अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों के लिए 19 विषयों में 128 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है। BSNL में भर्ती 40 पदों पर, जिसकी आयु सीमा है 25 वर्ष। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। IHM पूसा नई दिल्ली में 12 पदों पर मौके, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री
एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं और कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए पदानुसार ऑफलाइन परीक्षा, टीचिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, अपर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पदों पर मौके। राष्ट्रीय न्यास कार्यालय उम्मीदवार सहायक विधि सलाहकार के पद पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति के आधार पर निजी सचिव पर भर्ती। SAIL में युवाओं के लिए 244 पदों पर अवसर। मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीटेक एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं ये संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए पदानुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्किल टेस्ट के आधार पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।